हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंचर कोडिंग असेसमेंट की। तो प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ एसेंचर एग्जाम पैटर्न का, जहाँ पर मैंने डिस्कस किया टोटल सिलेबस का कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ सेक्शन कितने होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सेपरेट बात करने वाला हूँ एसेंचर कोडिंग असेसमेंट की। तो इस एसेंचर की कोडिंग ग्राउंड को क्लियर करने के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, एंड आपको रिसोर्सेस भी बताऊंगा मैं यहाँ पे बाद में कि आपको कहाँ से वहाँ पे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। गाइस, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं गाइस, दो क्वेश्चन। एंड अगर हम मीडियम इनके लेवल की बात करें तो गाइस आपकी मीडियम लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। कभी कभार आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बट अगर हम नॉर्मल जनरल जो एवरेज होता है क्वेश्चन का, वो मीडियम ही होता है, राइट। मीडियम सारे स्टूडेंट्स को आते हैं। एंड यहाँ पे क्राइटेरिया भी क्या होता है, जैसे सपोज अगर किसी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन भी चल गया, एक क्वेश्चन के टेस्ट केसेस पास हो गए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपडेट दिया कि उनका एक क्वेश्चन भी रन हुआ है, एक क्वेश्चन परफेक्ट है, तो इनको लाइक क्वालिफाई हो जाते हैं, इंटरव्यू के लिए मेल आ जाता है, लाइक आपका कोडिंग असेसमेंट क्लियर हो जाता है बेसिकली, अगर आपका एक क्वेश्चन भी चल गया। बट आपको ट्राई करना है कि दोनों क्वेश्चंस रन हो जाएं, राइट। दो क्वेश्चन होते हैं। एंड आपकी टाइमिंग की बात करते हैं, टाइमिंग कितनी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, 45 मिनट। दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, इसमें आपको सॉल्व करना होता है। गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीट है, TCS NQT कोडिंग सीट। भले ही जी TCS NQT है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100। गाइस, यहाँ से अगर आपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया, एक प्रैक्टिस करना है बेसिकली, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जैसे प्रॉब्लम ऑन एरेज, तो एरे के यहाँ पे क्वेश्चन है जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक जो आपका एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मीडियम लेवल के क्वेश्चन सारे यहाँ पे कवर हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से देख के, लाइक यहाँ पे एरे के क्वेश्चंस हैं, एंड प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, एंड यहाँ पे सेपरेट सेपरेट टॉपिक के नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन शॉर्टिंग, स्ट्रिंग, जो भी आपको लाइक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस साइट के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको जैसे डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे क्लिक करें, किसी भी क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। यानी आपके सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, आप यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, प्रॉब्लम किस तरीके की होगी आपकी, एंड आपका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप इस यहाँ से क्वेश्चन को देख के अपने अकॉर्डिंग अपने वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप इसका आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। सो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये सीट, एंड आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी एडवांस में प्रैक्टिस करना है, देन आप गीक्स फॉर गीक साइट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दो साइट यहाँ पे मैंने बताई, एक तो एक शीट है, एक गीक्स फॉर गीक्स है। तो आई होप कि आपके लिए ये रिसोर्सेज हेल्पफुल होंगे, इन रिसोर्सेज की मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एसेंचर के कोडिंग असेसमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।